हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवनीत सिंह, आई एम द स्टूडेंट ऑफ BMS सेकेंड ईयर। आज मैं आप सबको आयुर्वेद के बारे में बताना चाहूँगा। BMS एक्चुअली इसमें होता क्या है, ये हमारी डिग्री है। इसके बेसिस पे हमें जो मिलता है हॉस्पिटल खोलने का भी लाइसेंस हमें मिल सकता है। काफ़ी सारे मिथ्स लोगों ने बनाए हुए हैं कि BMS अच्छा कोर्स नहीं है, इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसकी भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी है। जैसे कि आप जानते भी होंगे, आज के टाइम में माननीय योगी जी ने भी इसको यूपी में एक आयुष हब बनाने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत क्या है कि इसमें पूरा आयुर्वेद का डेवलपमेंट और ज़्यादा होगा। यह हमारी सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति में से एक है, जिसको आजकल के टाइम में और उभारा जा रहा है। कोरोना के टाइम में भी आपने देखा होगा कि इसकी जितनी भी विकास हुआ है वो ऐसी मिथ है। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जैसे कि ये हमारा सबसे पुराना हेल्थ केयर सिस्टम है, 5000 साल पुराना हमें आयुर्वेद को माना जाता है। आयुर्वेद को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आयु और वेद, मतलब लाइफ की जिसमें नॉलेज होती है उसको आयुर्वेद कहते हैं। इसके फर्स्ट ईयर में, जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि इसमें खाली संस्कृत पढ़ी जाती है, हिंदी पढ़ी जाती है, खाली आयुर्वेद की नॉलेज होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें हमें पूरा एलोपैथी, आयुर्वेद सब पढ़ाया जाता है। तो इसमें हमें आयुर्वेद की भी नॉलेज मिलती है और एलोपैथी की भी, तो ये कहीं बेहतर है। MBBS अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ आपको खाली एलोपैथी के बारे में बताया जाएगा, और अगर आप BMS करते हैं तो उसमें आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा से भी ट्रीटमेंट करना और एलोपैथी ट्रीटमेंट भी आपको सिखाया जाता है। और इसमें भी MBBS की तरह MD MS की डिग्री आपको दी जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास। तो नॉर्मली जैसे MBBS में फर्स्ट ईयर में आप फिजियोलॉजी और एनाटॉमी मेन सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते हैं, तो यहाँ भी हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की ही पढ़ाई करते हैं। जैसे आप देखें, ये सेम बुक BD चौरसिया जिसे हम कहते हैं एनाटॉमी, यही हमें MBBS के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है कोर्स में, और यही हमें BMS में फर्स्ट ईयर के कोर्स में पढ़ाई जाती है। इसके एडिशनल में आपको आयुर्वेदिक एनाटॉमी भी पढ़ाई जाएगी, आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी, तो इससे क्या है कि हमें डबल ज्ञान मिलता है, डबल नॉलेज का एग्जिस्टेंस जो हमारे अंदर होता है वो हमें मिलता है। तो हमारी नॉलेज कहीं कम नहीं हो रही है और दोगुनी नॉलेज हमें मिल रही है। इसी तरीके से आप अगर और सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो हाँ, हिंदी में भी संस्कृत में भी पढ़ाई होती है, जैसे कि हमारे वेद जो है वो हिंदी और संस्कृत में ही लिखे गए हैं, तो उसकी पढ़ाई हमें हिंदी और संस्कृत में करनी होती है। जैसे कि इसमें ये अष्टांग हृदय है, इसमें आपको पूरा बताया जाता है, जैसे कि आपको दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, कैसे आपको रहना चाहिए, किस सीजन में आपको किस तरीके का फॉलो करना चाहिए, तो इससे क्या है आपकी जो हेल्थ है वो भी सही रहेगी। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे, मतलब अगर आप दिन में सही तरीके से खाना पीना ले रहे हैं और खाने के बाद क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए वो कर रहे हैं, तो इससे आपको डिसीज भी नहीं होंगी ज़्यादा, तो उसका भी क्योरेशन, और जितनी आपको मेडिसिन वगैरह होती हैं और जितनी आपकी डिसीज होती है उनके बारे में बताया गया है। तो कुल मिला के ये जो मिथ है कि BAMS कुछ गलत है या इसके स्कोप नहीं है आगे, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। तो आप इन बातों पर ध्यान ना दें और अपनी तैयारी करें, BMS भी करें। थैंक यू।